हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 20 जो काफ़ी मस्त था और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 21 को। क्वेश्चंस कह रहा है अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गिवन डेटा नोट कर रहे हैं। तो लेंथ बच्चों दी गई हमें L इज इक्वल टू 0.45 मीटर एंड मास 60 ग्राम। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें मास भी दिया गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं मास इज इक्वल टू 60 ग्राम, बट हम क्या करते हैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10^-3 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर एट इट्स एंड। अब देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसकी ड्राइंग बनाने की ट्राई करता हूँ तो ये हो गया हमारा सरफेस, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग थी और इन दोनों स्ट्रिंग की मदद से एक वायर लटकाया गया था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेट होगा यानी कि mg और यहाँ पे लगता होगा उसका टेंशन, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, राइट है। चलिए अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रॉड थ्रू द वायर, और हमें यहाँ पे बताया गया है कि इस वायर में से करंट पास हो रहा है बच्चों और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 एम्पियर। अब देखिए बच्चों इन दिस क्वेश्चन हमें 2 पॉइंट बताया गया है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट नंबर ए कह रहा था व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज 0। ठीक है बच्चों, यानी कि पहला पॉइंट कह रहा था कि हमें यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना है कि जिसकी मदद से आपका जो ये दोनों स्ट्रिंग्स दिख रही है आपको उसमें टेंशन 0 हो जाए। अब देखिए बच्चों टेंशन 0 कब होगा, तो यहाँ पे हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें जिसके कारण यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो कुछ इस डिरेक्शन में लगे, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ FM। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डिरेक्शन में लगेगा, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डिरेक्शन में, और अगर इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाए तो आप नोट कर सकते हो कि टेंशन जो है वो हो जाएगा 0, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हम नोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें किस प्रकार से सेट करना था, जिस प्रकार से FM इज इक्वल टू कितना होना चाहिए MG, अगर ये दोनों सेम हुए तो हमारा टेंशन पोर्ट 0 हो जाएगा FM। अब बात करें कभी कभी होता है ऐसा, चलिए कोई बात नहीं। तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें बच्चों, तो करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ILB, राइट, आपको याद होगा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ILB इज इक्वल टू MG। हमें फाइंड आउट करना था B, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MG बाय IL, करेक्ट बच्चा पार्टी। चलिए अब हम वैल्यू पुट करने वाले M की, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें दिया गया था M इज इक्वल टू 60 ग्राम, तो मैं लिखता हूँ 60 × 10^3। G इज इक्वल टू हमें यहाँ पे बताया गया है 9.8, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे रहा 9.8 डिवाइड बाय I 5 एम्पियर। L वो हमें दी गई थी 0.45। चलिए बच्चों क्या करते फटाफट से आप कैलकुलेशंस को फिनिश कीजिए, काफ़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस है और यहाँ पे बच्चों आंसर्स आने वाला है 0.2613 टेस्ला। बट यहाँ पे बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है बट हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, अभी एक और पॉइंट दिया गया था बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.2613 टेस्ला का अप्लाई करना होगा जिसके कारण आपका जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो 0 हो जाएगा, राइट। अब बी पॉइंट बात करते हैं बच्चों, तो बी पॉइंट कह रहा था व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अब नोट करिए बच्चों यहाँ पे जो हम करंट की डायरेक्शन है उसे रिवर्स करने वाले, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे बच्चों तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शंस भी बदल जाएगी, यानी कि पहले किस्से में अगर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था
तो अब क्या होगा बच्चा पार्टी, कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड डिरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा डाउनवर्ड डिरेक्शन में। तो यहाँ पे ये जो टेंशन है वो कितना हो जाएगा, mg + fm। ठीक है, mg + fm जितना हो जाएगा बच्चों, तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे टेंशन की। ठीक है, कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं टेंशन की। ठीक है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो अब बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो टोटल टेंशन हो जाएगा mg + fm। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम डिरेक्शन में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, तो ये जो हमारा रिलेशन था fm = mg वो भी चेंज नहीं हुआ होगा, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते t = mg + mg, हमने क्या कर दिया, fm की जगह पे लगा दिया mg, तो t = हो जाएगा 2mg। और चलिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू कितनी थी, 60 × 10⁻³, g की वैल्यू थी 9.8, राइट है बच्चों। चलिए अब फटाफट से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आंसर आने वाला है 1.176, और यूनिट हम लगा देते हैं न्यूटन, क्योंकि टेंशन इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स, तो यूनिट आ गया न्यूटन, राइट। तो ये मुझे मिल गया है बच्चों टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग, और मेरा आंसर आ रहा है 1.176 न्यूटन, राइट बच्चों। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चंस था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे ऐसी ही एक सुपर एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।